बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर 1, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये है क्लास 9 का मैथ और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। यह है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं पढ़ के बताता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करनी है ए, बी, सी और डी की वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इक्वल मैट्रिसेस का, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस में हमारी जो है वो टू कंडीशंस थी फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो उनमें से एक थी कि इन दोनों का ऑर्डर, जो टू इक्वल मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे से कोइंसाइड करनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है ए, बी, सी और डी। तो इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी का साइन हम लोग को बताता है कि दिस इज एन इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम है और इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना ये एक दूसरे की इक्वल होंगी, ठीक है। वैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस सी, ये है टॉप लेफ्ट, तो जीरो है टॉप लेफ्ट, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इन इक्वेशन को लेके तो हम इस जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉप लेफ्ट है उस पे है ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक बन गई इक्वेशन। फिर ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, टॉप राइट इज इक्वल टू माइनस सेवन, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड है सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, क्योंकि ये बॉटम लेफ्ट है। और फोर्थ हम जो है आगे जाके अभी करते हैं इधर नीचे जब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को ये वाली हम लोग अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टू अननोन्स हैं। तो हम लोग को ऐसी क्वेश्चन चाहिए जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। तो हमें इसमें भी ए और बी टू अननोन्स हैं, इसमें भी टू अननोन्स हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक अननोन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सी इज इक्वल टू ये माइनस वन है उस साइड पे ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस वन, तो थ्री प्लस वन और सी इज इक्वल टू फोर, ठीक है, थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है फोर, मतलब सी आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस फोर, क्यों, क्योंकि हम लोग उस साइड पे लेके जाए उसका लेके गए प्लस फोर को और उसका साइन चेंज हो गया उधर जाके। अब हमने अवेयर कर ली ए की वैल्यू जो है माइनस फोर, तो इस इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे माइनस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ठीक है। तो हम माइनस फोर को साइड पे ले जाएंगे, टू बी इज इक्वल टू सेवन, इधर माइनस फोर है उधर जाके प्लस फोर हो जाएगा, तो टू बी इज इक्वल टू सेवन प्लस फोर इलेवन, बी इज इक्वल टू इलेवन ओवर टू, क्यों, क्योंकि टू बी माइनस इलेवन इधर टू मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम लोग उसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, ये माइनस सेवन था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई हमसे, ये माइनस सेवन और प्लस फोर, ठीक है। तो माइनस सेवन प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू विच इज इक्वल टू माइनस वन होल वन ओवर टू, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर ली थ्री क्वेश्चन। हम इधर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू माइनस फोर, बी इज इक्वल टू माइनस वन होल वन ओवर टू और सी इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अब हम जो लास्ट हमारी फोर्थ इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ हमारी जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फोर डी इधर प्लस टू डी है, ये माइनस टू डी हो जाएगा और ये माइनस सिक्स को साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस सिक्स, फोर माइनस टू इज टू, टू डी इज इक्वल टू सिक्स, डी उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सिक्स डिवाइड बाई टू, डी इज इक्वल टू
थ्री, ठीक है, तो इधर हम डी की लिख देंगे, डी इज इक्वल टू थ्री। तो इस तरह हमने सॉल्व की है क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 1.1, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन था।